हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, मस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं तीन बहुत ही बेहतरीन स्टेशनरी किट। गाइस आज है हमारे पास डॉम की 8 स्ट्रोक जो कि आती है 149 रुपीज की। उसके बाद गाइस हमारे पास है कैमलिन की पेंटिंग किट जो आती है 199 रुपीज की, यानी कि 200 रुपए की। और उसके बाद है गाइस हमारे पास अप्सरा की डिजाइनर किट जो आती है 199 रुपीज की। और गाइस आज इन तीनों किट्स के बीच में होने वाला है बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन, और आपको बताना है कि इन तीनों किट में से कौन सी किट जो है विनर होती है, क्योंकि पूरा वीडियो आपको देखना है और मैं डिसाइड नहीं करूंगा किसमें ज्यादा अच्छा सामान निकला है। आप लोग देखकर बताओगे कि तीनों से किस में सबसे अच्छा सामान जो है निकला है। और साथ ही साथ इनका होने वाला है तीनों का गिव अवे, यानी कि ये आपको फ्री में मिलने वाली है, और कोई भी आप में से तीन लोग इन तीन किट्स को विन कर पाएंगे। और गिव अवे के रूल्स क्या है मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखना गाइस एंड तक, और देखते तीनों में कौन सी जो है किट विनर होती है। सो गाइस तीनों में से किसको सबसे पहले ओपन करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अक्कड़ बक्कड़। सो गाइस हम करते हैं अक्कड़ बक्कड़। तो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो 80 90 पूरे 100। सो गाइस बारी है सबसे पहले डॉम्स की, और वैसे भी मेरा मन था सबसे पहले मैं इसी को ओपन करूं, और गाइस देखते हैं तीनों में से कौन विनर होता है। तो ये रही हमारी सीजर, तो शुरुआत करते हैं डॉम्स से, तो इसको कट कर लेते हैं सबसे पहले। और ये आती है 149 रुपीज की गाइस, और ये देखिए इसको हमने कट कर लिया है इधर से, और इसकी सील को ओपन कर लेते हैं। जिप लॉक आता है इसके अंदर, तो सबसे अच्छी बात है इसकी। तो ये हो गई है ओपन गाइस, ये देखिए काफी तगड़ी पैकिंग की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो ये देखिए गाइस सबसे पहले इसके अंदर क्या निकलता है, ये है प्लास्टिक क्रेयॉन्स। वाओ, प्लास्टिक के भी क्रेयॉन्स आते हैं क्या गाइस, ये 25 रुपीस की है। तो इसके अंदर देखते हैं किस तरह के प्लास्टिक क्रेयॉन्स जो है निकलते हैं। वाओ ये देखो गाइस कितने अच्छे क्वालिटी के क्रेयॉन्स हैं इसके अंदर, कितना लॉन्ग साइज है इनका। वाओ बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, काफी सही लग रहे हैं गाइस, काफी बड़े साइज के प्लास्टिक क्रेयॉन्स हैं, मुझे सही लगे। और उसके बाद गाइस देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है, और इसके अंदर क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है इसके अंदर BI कलर पेंसिल्स। सो गाइस देखते हैं किस तरह की कलर पेंसिल्स है, और ये 60 रुपीज की, तो देखते हैं किस तरह की ये कलर पेंसिल्स होती हैं। और वैसे गाइस बड़ा पैक और कॉम्बो पैक लेने का ये बेनिफिट होता है कि उसके अंदर जो है डिस्काउंट में चीजें मिल जाती है, उनके MRP से भी सस्ता आपको जो है ये किट पड़ती है। तो ये बहुत फायदा होता है बड़ी किट खरीदने का, जब आपको बहुत सारा सामान खरीदना हो तो सामान खरीदने की जगह एक किट खरीद लीजिए, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें निकल जाती है। तो ये देखिए वाओ कितनी अमेजिंग इसके अंदर पेंसिल्स है, अरे वाह दोस्तों कितनी अच्छी बात है कि ये डबल साइडेड पेंसिल्स हैं। ये देखिए इसमें दोनों तरफ कलर्स है, इधर ब्लू है तो इधर रेड है, इधर येलो है तो इधर डार्क ग्रीन है। तो ये बहुत अच्छी खासियत है इस पेंसिल की, ये काफी मुझे सही लगी गाइस ये पेंसिल बॉक्स। आपको ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, मुझे काफी यूनिक लगा ये सिस्टम। और उसके बाद गाइस हमारे पास है कि इरेजर डॉम्स की, ये देखिए काफी अच्छी इरेजर है। और उसके बाद गाइस हमारे पास है डॉम्स के वैक्स क्रेयॉन्स, और जो कि काफी सिमिलर होते हैं प्लास्टिक क्रेयॉन्स के सामने अगर देखा जाए तो काफी सिमिलर ही होते हैं देखने में, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो ये भी काफी अच्छे लगे मुझे वैक्स वाले क्रेयॉन्स गाइस इसके, तो इनको रख देते हैं वापस से। और उसके बाद गाइस हमारा निकलती है इसके अंदर एक पेंसिल, काफी बढ़िया डॉम्स की जूम अल्टीमेट डार्क पेंसिल है, यानी कि काफी ज्यादा डार्क लिखती है, तो काफी अच्छी पेंसिल निकली है। और गाइस इसमें निकला है एक शार्पनर काफी अच्छा, ये देखिए पेंसिल शार्पनर निकला है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है गाइस, बहुत ही अच्छे से जो है ये शार्प कर देता है, काफी सही चीज है गाइस, इसको भी रखते हैं इधर। और उसके बाद गाइस हमारा क्या निकलता है इसके अंदर, निकलता है हमारा उसके बाद ऑयल पेस्टल्स। वाओ काफी यूनिक चीज लग रही है, देख लेते हैं क्या निकलता है ऑयल पेस्टल्स के नाम पर। और ये देखिए, अरे वाह क्या बात है, जिस तरह के वैक्स क्रेयॉन्स और प्लास्टिक के क्रेयॉन्स लग रहे थे वैसे ही कुछ ये जबरदस्त लग रहा है। और इसका क्या यूज होता है गाइस, इसके आज जो ये निकला है प्लास्टिक का, इसका क्या यूज होता है जरूर मुझे कमेंट में बताना, मुझे नहीं पता। इसका इधर लिखा होगा वैसे फ्री वन स्क्रैपिंग टूल। अच्छा गाइस क्या करता होगा, जब हम वैक्स का पूरा कलर कर लेते हैं तो इससे स्क्रैप करके उसको बहुत स्मूथ बना सकते हैं, आई थिंक इसका यही यूज होता होगा। तो काफी सही इसके अंदर ऑयल पेस्टल्स भी निकल गए। और उसके बाद देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर, इसके अंदर निकलता है एक रूलर, ये देखिए एक फुट्टा निकलता है काफी बढ़िया 15 सेंटीमीटर का, और काफी सही लग रहा है। इसको भी निकाल कर देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, और आजा भाई बाहर। और ये देखिए गाइस काफी जबरदस्त क्वालिटी लग रही है, और जल्दी से टूटने वालों में से नहीं है गाइस, ये काफी सही लग रहा है मुझे। और उसके बाद गाइस इसके अंदर एक लास्ट चीज बची है, और वो है ये
ये देखिए गाइस, इसके अंदर निकले माय ड्राइंग बुक। तो इसके अंदर बहुत सारी आप ड्राइंग कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, काफी अच्छी क्वालिटी के, काफी मोटे मोटे पेजेस हैं इसके अंदर, तो जिससे कि कलर इसका आर पार नहीं होता, काफी सही चीज है। और हम इसके बाद ओपन करेंगे गाइस कैमलिन की पेंटिंग किट। ये देखिए, इसके बाद है हमारे पास कैमलिन की बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग किट, और इसके अंदर काफी अच्छा सामान जो है नजर आ रहा है, और ये हमें पड़ी है 199 रुपीस की। और गाइस इसके अंदर क्या क्या निकलता है, इसके अंदर टोटल नेट क्वालिटी 10 है, यानी कि 10 तरह की चीजें हैं, क्वांटिटी इसके अंदर 10 है। इसके अंदर निकलता है कलर केक्स और कलर ट्यूब्स निकलेंगी 6, और इसके बाद पेंटिंग ब्रश निकलेगा 1, ड्राइंग बुक निकलेगी 1, 3 पेंसिल निकलेगी, 1 शार्पनर निकलेगा, 1 रेजर और 1 स्केल निकलेगा। यानी कि चलिए इसको भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है, और जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसको कट करके निकाल लेते हैं बाहर, और ये कट हो गया गाइज, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है हमारा। और डॉम्स की तरह इसकी पैकिंग थोड़ी अच्छी है, डॉम्स वाली की काफ़ी हार्ड पैकिंग थी, उसको खोलने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया था। और ये देखिए हमने उसको ओपन कर लिया है, और देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हमारा इसके अंदर निकलता है वाटर कलर केक्स। अरे वाह, काफ़ी सही लग रहे हैं वाटर कलर केक्स, और देखते हैं कैसे देखने में लगते हैं बाहर निकालने के बाद में। और ये देखिए वाटर कलर केक्स को हमने निकाल लिया, ये हमें पड़े 70 रुपीज के पड़े हैं इसका MRP। और ये देखिए, अरे वाह क्या बात है, कितने प्यारे प्यारे एकदम केक्स हैं, ये कैप बिल्कुल किसी की दवाई की तरह गोलियां लग रही हैं। और इसके बाद एक पेंटिंग ब्रश भी मिला है, और यहाँ पर आप वाटर डाल करके और इनको जब आपको कलर करना है तो आप कर सकते हैं, मतलब काफी सही चीज है ये, तो इसको भी रखते हैं। और जैसे इसके अंदर सेकेंड चीज जो है क्या निकलती है, और इसके अंदर निकला है सेकंड चीज वाटर कलर ट्यूब्स। ये देखिए काफी अच्छी कलर क्वालिटी की वाटर कलर ट्यूब्स होंगी इसके अंदर, स्मूथ कलर्स फॉर ट्रांसपेरेंट इफेक्ट। 6 शेड्स मिले हैं, यानी कि 6 तरह के वाटर कलर ट्यूब्स निकले हैं इसके अंदर। तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको, इधर से गाइस इसको फाड़ लेंगे, काफी जबरदस्त पैकिंग की गई है इसकी। और ये फाड़ लिया हमने इसको, और निकाल लेते हैं अपने वाटर कलर ट्यूब्स। ये देखिए काफी अच्छे ट्यूब्स हैं गाइस, काफी अच्छी क्वालिटी दी गई है। और गाइज ये देखने में छोटी है, लेकिन एक इसका एक ड्रॉप ही काफी ज्यादा होता है, यानी कि इससे आप बहुत सारे पेंटिंग, बहुत सारी कलरिंग्स वगैरह जो है इजीली कर सकते हैं। तो बहुत सारे शेड्स दिए गए हैं इसके अंदर, ये देखिए सबका कलर ब्लैक, ब्लू, डार्क ग्रीन, और ये पिंक भी बना सकते हैं, रेड भी बना सकते हैं, येलो और व्हाइट कलर के शेड्स इसमें दिए गए हैं। तो काफी सही लगा गाइज ये मुझे, आपको ये कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, और इसको भी रख देते हैं। और इसके बाद हमारे पास है गाइज, ये देखिए इसके बाद हमें निकला एक बट ब्रश, पेंट ब्रश निकला है काफी अच्छी क्वालिटी का, और ये देखिए काफी सही लग रहा है गाइस ये मुझे। और इसके बाद हमारे को मिलती है एक पेंसिल, ये देखिए, और इसमें निकली एक कैमलिन की नोवा ग्लोविंग परफेक्ट ग्रिप पेंसिल, यानी कि इसकी ग्रिप काफी परफेक्ट होती है, इसके ऊपर एक इरेजर भी लगी हुई है। ये देखिए ये भी मुझे काफी सही लग रहा है, और देख लेते हैं इसके बाद क्या है इसके अंदर। और इसके अंदर एक मिली है सुप्रीम एक्सेल ऑल क्लियर इरेजर। अरे वाह, कितने बड़े साइज की इरेजर है गाइज, ये देखो मेरी फिंगर के जितनी लंबी इरेजर है, ये देखिए। और इसके बाद ये देखिए डॉम्स की इरेजर देखो, और ये देखो इससे डबल से भी बड़े साइज की लग रही है मुझे। आपको ये कितनी सही लग रही है आप जरूर बताना, आपने किसी ने यूज किया तो जरूर बताना मुझे, मैंने तो इतनी बड़ी इरेजर कभी यूज नहीं की है। तो इसके बाद देख लेते हैं और क्या निकलता है इसके अंदर, इसके अंदर भी एक निकलता है स्केल, काफी अच्छा स्केल है ये देखिए, और काफी सही, ये भी 15 सेंटीमीटर का स्केल है, काफी अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी काफी मुझे मतलब की सही लग रही है गाइज। चलिए इसको निकाल कर भी देख लेते हैं वाकई में इसकी क्वालिटी सही है या नहीं है, ऐसे ही है। और ये देखिए, आजा भाई बाहर, ये बाहर ही नहीं आना चाहता गाइज, ये देखिए काफी सही लग रहा है गाइज, ये देखिए है ना। और ये देखिए डॉम्स से अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये कैसा लगेगा, ये देखो डॉम्स का थोड़ा चौड़ा है स्केल, और ये वाला जो कैमलिन का है थोड़ा उतना चौड़ा नहीं है, लेकिन काफी सही है, मतलब ठीक लग रहा है मुझे गाइज। ये देखिए दोनों की क्वालिटी, मतलब मैं देख रहा हूँ कि डॉम्स वाला ज्यादा मुड़ रहा है और जबकि कैमलिन वाला उतना नहीं मुड़ रहा है, पर दोनों की क्वालिटी काफी सही है, तो मुझे ये सही लगा था गाइज काफी। और इसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास, और इसके अंदर भी निकला है एक शार्पनर, ये देखिए, और कैमलिन का एग्जाम शार्पनर है, ये देखिए कितना सही लग रहा है गाइज, मुझे तो काफी सही, मतलब अब बहुत अच्छी क्वालिटी के शार्पनर होते हैं, सेकंड्स में ये पेंसिल को शार्प कर देते हैं। और उसके बाद गाइज हमारे पास है, ये देखिए इसके अंदर निकली है एक, ये देखिए ड्राइंग बुक निकली है काफी अच्छी, और ये देखिए इसके पेजेस भी मुझे इसके पेजेस डॉम्स के मुकाबले ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं, और ज्यादा मतलब कि उसके मोटे पेज लग रहे हैं, इसके इतने मोटे नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, दोनों ही की ही क्वालिटी बहुत ही मुझे सही लगी, मुझे दोनों ही काफी सही लगे, लेकिन आप मुझे बताना आपको कौन सा ज्यादा सही लग रहा है,
वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। और उसके बाद हमें मिलती है दो पेंसिल्स, इसके अंदर दो और पेंसिल्स हैं, यानी कि तीन पेंसिल्स थी, तो हमने एक पहले निकाली थी एक बाद में। और इधर जो गोल्डन कलर का ग्रिप इधर दिया गया है काफी यूनिक लग रहा है, और ऑरेंज कलर की ही इरेजर है और ऑरेंज कलर की ही पेंसिल्स हैं, तो काफी अच्छी पेंसिल्स भी निकल गई हैं। तो गाइस अब हम ओपन करेंगे लास्ट अपनी किट जो है वो है अप्सरा की डिजाइनर किट, और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो ये देखिए, और ये भी, ये गाइस पहले से ही खुली हुई है क्या? नहीं गाइस, ये पहले से खुली हुई नहीं है, इसके ऊपर काफी वैसा ब्लॉक नहीं दिया गया था। तो देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो इसके अंदर निकाल लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। गाइस ये देखिए, इसके अंदर हमें सबसे पहले जो है मिलता है, ये निकला है अप्सरा का वैल्यू पैक 22 रुपीज का निकलता है, और इसके निकला प्लैटिनम किट बोलते हैं, और इधर लिखा है एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, और इसमें मुझे लगता है काफी अच्छा कॉम्बो दिया गया है काफी अच्छी अच्छी चीजों का। तो ये कहां से खुलेगा गाइस? इधर से ही खुलेगा। तो इसमें क्या क्या है अभी देख लेते हैं। इसमें निकलता है काफी बड़े साइज का इरेजर गाइस, और मुझे लग रहा है कि जो कैमलिन का इरेजर है उससे भी बड़ा इरेजर है। और ये देखिए गाइस, उससे भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो उससे भी बड़ा इरेजर है। ये देखो थोड़ा सा इधर बड़ा देख सकते हैं, और इसका वेट भी ज्यादा है, इसका थोड़ा कम लग रहा है, इसका वेट भी मुझे ज्यादा लग रहा है। और ये देखो कितनी, दोनों ही बहुत अच्छी इरेजर लगी गाइस मुझे ये। तो आपको कैसी लगी जरूर बताना, और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। और इसके अलावा इसके अंदर है गाइस एक स्केल है, ये देखिए वही प्लेट अप्सरा का काफी अच्छी क्वालिटी का स्केल है। ये देखिए इसको भी निकाल लेते हैं, ये देखिए, और ये टूटा हुआ निकला है गाइस। ये टूटा हुआ क्या है, इसके अंदर क्रैक का निशान निकला है गाइस, ये देखो। हाँ गाइस, ये टूटा हुआ निकल गया है तो हमारे साथ पोपट हो गया गाइस एकदम। ये देखो टूटा हुआ स्केल निकला है अप्सरा के अंदर, मुझे लगता है तो गिर गई होगी, ऐसे टूटा हुआ नहीं निकलना चाहिए, पर इसके अंदर एक टूटा हुआ स्केल निकल गया गाइस। कोई बात नहीं, इसके ऊपर इसको रख देते हैं इधर। और इसके अंदर निकलते हैं दो अप्सरा की प्लैटिनम एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल्स, ये देखिए काफी, और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, ब्लैक और सिल्वर कलर काफी एकदम यूनिक, काफी प्रीमियम क्वालिटी की पेंसिल्स लग रही है मुझे ये। और इसके बाद गाइस हम देखते हैं क्या है हमारे पास। अब ये हो गया गाइस खाली, और देखते हैं इसके बाद हमारे पास और क्या निकलता है इसके अंदर। मुझे इसके अंदर ज्यादा सामान लग रहा है गाइस, और अप्सरा के अंदर मुझे ज्यादा सामान निकल रहा है 199 रुपीस के हिसाब से, और कैमलिन के अंदर मुझे उतना सामान नहीं लगा। देखते हैं और क्या क्या निकलता है, काफी भारी भी लग रही है ये किट मुझे। और इसके अंदर देखते हैं क्या है नेक्स्ट। और नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास ये देखिए अप्सरा की ड्रॉइंग पेंसिल्स, ये देखिए काफी अच्छी ड्रॉइंग पेंसिल्स है, और ये ड्रॉ करने के लिए, अगर आप इसको वैसे यूज लिखने में यूज करेंगे तो उसके लिए इतनी कंपेटेबल नहीं रहती है, पर अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। ये देखो गाइस क्या जबरदस्त डिजाइन है इसके ऊपर, ये देखिए काफी यूनिक डिजाइन है। इधर लिखा है अप्सरा ड्रॉइंग पेंसिल्स, काफी मतलब कि मुझे काफी अच्छा लगा इसका डिजाइन और कलर्स, तो इसको भी रखते हैं। और इसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखिए, ये है अप्सरा की डुअल कॉम्बो पेंसिल्स, ये देखिए इधर लिखा हुआ है राइट फ्लिप कलर, ये देखिए डुअल कॉम्बो पेंसिल्स है, और देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। और ये देखिए गाइस, अरे वाह काफी जबरदस्त कॉम्बो है गाइस। इधर देखिए, इधर ब्लैक है और इधर थोड़ा सा येलो है, यानी कि सिर्फ इतनी सी येलो निकलेगी और बाकी की सारी पूरी ब्लैक निकलेगी, तो काफी अच्छा कॉम्बो लगा गाइस मुझे। और ये देखिए, और इसको अब हम निकाल लेते हैं ब्लू वाली को, निकल जा भाई बाहर पूरी एकदम, बहुत जबरदस्त पैकिंग की गई है। ये देखो गाइस, इधर से ब्लैक है और इधर से ब्लू है, तो काफी अच्छा कलर कॉम्बो है, मुझे काफी सही लगा ये, मुझे काफी यूनिक लगी, पहले ऐसी पेंसिल्स नहीं आती थी, अभी आने लगी हैं, तो मुझे काफी सही लगती हैं। उसके बाद गाइस हमारा इसके अंदर निकलता है, अरे ये तो पूरा इसके अंदर ही खुल गया है। तो इसके अंदर हमारा निकला है नेक्स्ट, ये देखिए अप्सरा का प्रीमियम 8 कलर पेंसिल्स, ये देखिए ये कलर पेंसिल्स निकले हैं, और इसके अंदर इन पेंसिल को शार्प करने के लिए एक शार्पनर भी निकला है, ट्रांसपेरेंट शार्पनर है गाइस, ये देखो इसके आर पार भी दिखता है पूरा का पूरा। और ये रही वो कलर पेंसिल्स, ये देखिए रेड कलर है, और उसके बाद ऑरेंज है हमारे पास, डार्क ग्रीन है, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, येलो है, और गोल्डन पेंसिल भी, और पिंक। ये देखो गाइस गोल्डन पेंसिल्स कभी आपने देखी है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ गोल्डन पेंसिल्स। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना गोल्डन कलर की पेंसिल, तो मुझे काफी सही लगी ये भी, तो इसको भी रखते हैं गाइस और खोलते हैं अपनी अगली, देखते हैं क्या है हमारे पास अगला। और ये देखिए इसमें अगला निकला है हमारा अप्सरा का ऑयल पेस्टल, ये देखिए देखते हैं ये वाले इसकी क्वालिटी कैसी ऑयल पेस्टल्स की। ये देखो काफी सही लग रही है गाइस इसकी ऑयल पेस्टल्स की क्वालिटी, और में कितने टोटल कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑयल पेस्टल्स इसके अंदर निकलते हैं। और ये देखिए काफी सही है गाइस, और ये हमें पड़ी होगी ऑलमोस्ट 35 रुपीज की पड़ी है ये इसके अंदर। और उसके बाद देखते हैं क्या है इसके अंदर हमारा, और इसके अंदर है गाइस नेक्स्ट अप्सरा के 16 वैक्स क्रेयॉन्स, ये देखो इसके अंदर काफी अच्छे वैक्स क्रेयॉन्स दिए गए हैं, देखते हैं कैसे वैक्स क्रेयॉन्स हैं। ये देखिए अरे वाह क्या बात है,
ये देखो कितने सारे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लॉन्ग साइज के वैक्स क्रेयॉन्स हैं, और देखते हैं कितने वैक्स क्रेयॉन है इसके अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कलर्स के जो है वैक्स क्रेयॉन्स दिए गए हैं गाइज। और ये देखिए काफी सही है ये, तो इसको भी रखते हैं इधर और देखते हैं इसके अंदर क्या है नेक्स्ट। काफी सारा सामान है गाइज इसके अंदर। और इसके बाद हमारा इसके अंदर निकलती है थ्री, ये लिखा है स्पेशल ऑफर ₹10 पर सेट, थ्री इरेजर, यानी कि ₹10 में ये थ्री इरेजर मिलती है। और ऐसी इरेजर है गाइज, शायद ही आपने कभी देखी होंगी, मैं आपको निकाल कर भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइज, थ्री डिफरेंट कलर्स की इरेजर है, यानी कि ये येलो कलर की है, ब्लू कलर की है, और ये पिंक कलर की है। ऐसी इरेजर गाइज आपने कभी देखी है तो जरूर बताना कमेंट में, मुझे काफी यूनिक लगी ये इरेजर। और उसके बाद गाइज हमारे पास है एक शार्पनर कम इरेजर, यानी कि 2-in-1 जो है शार्पनर इरेजर है। ये देखो इधर है इरेजर इसकी, ये देखो काफी बड़े साइज की, काफी हैवी साइज की इरेजर लगी हुई है। और इधर है जो है शार्पनर है, ये देखिए, और इसको खोल के आप बाद में सारा कचरा भी जो है बाहर निकाल सकते हैं जो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये देखो है ना गाइज कितना यूनिक चीज, मुझे बहुत ही सही लगी ये चीज। और उसके बाद गाइज हमें मिलता है एक नॉर्मल शार्पनर, ये देखो लॉन्ग पॉइंट शार्पनर, यानी कि आपकी पेंसिल को ज्यादा लॉन्ग पॉइंट ही शार्प करेगा। ये देखो कितना लंबा लॉन्ग साइज का ब्लेड है इसका, यानी कि काफी पॉइंटी हो जाएगी आपकी पेंसिल इससे शार्प करने के बाद में, तो मुझे ये भी काफी सही लगा। और उसके बाद गाइज हमारे पास है ये देखो, इसके अंदर भी एक ड्राइंग बुक है। ये देखो कितनी बड़ी साइज की एकदम ड्राइंग बुक है इसके अंदर, तो इसको देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये देखो इधर आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, मास्टर मिसेज, ये देखो पूरा नाम, क्लास सेक्शन वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं, और टीचर के साइन भी करा सकते हैं, स्टैंप लगवा सकते हैं। ये देखो क्या बात है, ये भी काफी बड़े साइज की मुझे लग रही है। ये देखो और इधर आपका पूरा इंडेक्स दिया गया है, और इधर भी आप अपना नेम, क्लास सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और इधर भी काफी सारा आप इंडेक्स पूरा लिख सकते हैं। तो ये देखो तीनों के बीच में मैं आपको कंपैरिजन भी करवा के दिखाता हूँ तीनों का साइज, और ये देखो तीनों का साइज और क्वालिटी देखो। ये देखो गाइज सबसे ज्यादा जो मोटी मुझे लग रही है ऑलमोस्ट, ये देखो सबसे ज्यादा मोटी गाइज मुझे ये लग रही है, क्या कहते हैं, कैमलिन की लग रही है, फिर डोम्स की लग रही है, और उसके बाद सबसे पतली जो है वो अप्सरा की है। तो तीनों की क्वालिटी गाइज काफी अच्छी है, लोकल क्वालिटी तो नहीं है लेकिन काफी बढ़िया क्वालिटी है तीनों की। तो इनको रखते हैं इनकी जगह पे, अप्सरा को अप्सरा की जगह रखते हैं, कैमलिन को कैमलिन की जगह पे, और अब डोम्स को डोम्स की जगह पे। सो गाइज आप ही बताओ तीनों में से जो है कौन सी जो है स्टेशनरी सेट जो है विनर होती है। मैंने तो तीनों की अनबॉक्सिंग कर ली है, लेकिन अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये काफी बढ़िया सरप्राइज। सो गाइज वो सरप्राइज क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक डोरेमोन की पेंसिल बॉक्स, और जो जिसकी मैं अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाऊंगा, और एक आपको कैसी लगेगी कमेंट में जरूर बताना, मुझे काफी सही लगी तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो गाइज ये डोम्स की पेंसिल बॉक्स मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। इधर लिखा है हैप्पी और इधर बना है डोरेमोन, और इसका नाम क्या है कमेंट में जरूर बताना गाइज। इसका नाम तो डोरेमोन सही है, तो बहुत फेमस है, सभी इसको जानते हैं, लेकिन इसको इस ये कैरेक्टर का नाम क्या है जरूर मुझे कमेंट में बताना। और ये देखो जो डोरेमोन के गले में बेल रहती है वो यहाँ पर भी दी गई है, और इसके गले में भी ये बेल है, और ये जो इसको फैन दिया गया डोरेमोन के सिर पे भी होता है, और डोरेमोन इसको पहनकर कहीं भी उड़कर चले जाता है। और गाइज काश हमारे पास भी ऐसा कोई फैन होता, हम सिर पे रखते और कहीं पर भी उड़ के चले जाते तो कितना मजा आता ना। और ये देखो गाइज इधर भी सेम वही दिया गया एकदम पैटर्न, और ये देखिए इधर डोरेमोन दिया गया छोटा सा, और इधर मेड इन चाइना लिखा हुआ है, और ये देखिए साइड लुक कुछ इस तरीके की है। और ये देखो इसको ओपन करके दिखाता हूं, और ये देखिए अरे वाह काफी बढ़िया ये पेंसिल बॉक्स है। ये देखो इसको ऊपर कर लेते हैं, और इसमें दी गई है लाइट, ये देखिए, और ये लाइट ओपन हो गई है गाइज। ये देखो और इसको आप ऐसे मोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी मोड़ सकते हैं, और वापस से ऐसे भी मोड़ सकते हैं। काफी फ्लेक्सिबल क्वालिटी की लाइट दी गई है, और वापस से इसको फोल्ड करके इसमें रख भी सकते हैं, और इधर एक बटन दिया गया है, इसको ऊपर नीचे करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये लाइट जैसे रात के अंधेरे में अगर आपको पढ़ना हो, रात को आपके इन पेंसिल बॉक्स ओपन करनी है और आपको कुछ दिख ना रहा हो, तो ये बहुत हेल्पफुल चीज है। और ये देखिए इधर एक बटन दिया गया है, और इसको बटन को दबाते ही इधर दो पेंसिल को शार्पनर निकल जाता है, ये शार्पनर है, और इधर ये मोटी पेंसिल को शार्प करने के लिए, इधर पतली पेंसिल को शार्प करने के लिए दिया गया है। और ये देखो ये बंद हो गई है, और इसको बंद कर इधर आप बहुत सारी पेंसिल वगैरह और बहुत सारे सामान रख सकते हैं। और इधर वाला कंटेनर ओपन करते हैं, और ये देखिए इधर कुछ टेबल्स दी गई हैं, ये देखिए 1 से लेकर 9 तक की टेबल दी गई है इसके अंदर काफी बढ़िया तरीके से। और इधर भी आप अपने पेंसिल्स वगैरह और पेंस वगैरह इजीली रख सकते हैं, और एक सीक्रेट कंटेनर है यहाँ पर, आप यहाँ पर अपना कोई भी इरेजर या शार्पनर को रख सकते हैं, बहुत ही आराम से आ जाएगा। और ये देखिए ये पूरा ये दो डुअल साइड्स ओपन होने वाली जो है एक बहुत ही अच्छी पेंसिल बॉक्स है। सो गाइज
हमने तीनों की जो है अनबॉक्सिंग कर ली है और रिव्यू भी कर दिया है, तीनों की क्वालिटी भी और मैंने क्वांटिटी भी बहुत अच्छे से आपको दिखा दी है। अब तीनों में से सबसे बढ़िया आपको कौन सी लगी आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं करूंगा तीनों में से कौन सी विनर है, आप डिसाइड करोगे कि तीनों में से कौन सी विनर है, ये आपके ऊपर है। और गाइस जिनों की गिव अवे के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं आपको गिव अवे के में क्या रूल्स हैं, तो गिव अवे के रूल्स ये हैं गाइस, आपको करना है वीडियो को लाइक, साथ ही साथ आपको कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिखना है। और गाइस अगर आपने वीडियो को स्किप किया है तो फिर से पूरा देखो, वीडियो को पूरा देखना है, आप लोगों को स्किप नहीं करना है। तो गाइस आप में से कोई तीन लोग जो है ये एक एक किट जो है विन कर पाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बाय बाय।